वतन को ईद उल अज़हा मुबारक। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व खरोश से मनाई जा रही है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत शहर शहर नमाज ईद के इज्तमात। अहले इस्लाम और वतन के लिए खुसूसी दुआएं। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी का मकसद उस अज़्म का आदा है कि राहे हक पर और जैसी भी कुर्बानी देनी पड़े उससे दरेग ना किया जाए। दुनिया इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है। कौम से दरख्वास्त है ईद कुर्बान पर तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। कुर्बानी के वक्त गरीब और जरूरतमंद तबके का ख्याल करें। वजीर आजम इमरान खान का ईद पर कौम के नाम पैगाम। आज का दिन कुर्बानी का दर्स देता है। हमारा मजहब इंसानी हमदर्दी और इंसानियत का एहतराम सिखाता है। ईद की खुशियों में उनको भी शामिल करें जो मदद के मुस्तहिक हैं। मजलूम कश्मीरियों को भी याद रखा जाए जो भारत की गुलामी से निजात चाहते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ईद पर पैगाम। आज का दिन अल्लाह ताला के हुक्म के सामने तस्लीम और रजा के पैकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को याद करने का दिन है। ये दिन कुर्बानी के हकीकी फलसफे और मकसद की याद दिलाता है। दूसरों के लिए ईसार और कुर्बानी ही आज के दिन का पैगाम है। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ का ईद पर पैगाम। सऊदी बरादरान का ईद कुर्बान पर कौम के नाम पैगाम। कोरोना का इलाज अल्लाह ताला से माफी और दुआ है। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें इस वबा से निजात दे। कौम कश्मीरी अवाम के लिए खुसूसी दुआ करे। बड़ी ईद पर बादलों की भी एंट्री। ठंडी हो गई, कई शहरों में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। लाहौर में भी काली घटाओं का राज। मलका कौसार मरी में भी मौसम की अंगड़ाई। ख्वातीन ने भी किचन संभाल लिए, चटपट पकवानों की तैयारी जारी। कहीं बच्चों की फरमाइशें तो कहीं शौहर के नखरे पूरे किए जाने लगे। हमने फैसला किया है कि 5 तारीख को, 5 अगस्त को, जो हिंदुस्तान का पूरा एक साल मिलिट्री सीज का और डबल लॉकडाउन का मुकम्मल होगा, पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरा कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर का रहने वाला कश्मीरी यक जबा होकर 5 अगस्त को बतौर यौम इस्तेसाल मनाएंगे। उनका तशख्स मिटाया गया, उनका झंडा गिराया गया, उनके हकूक छीने गए, उन पर जबर मुसल्लत किया गया। 5 अगस्त को यकसुबा होकर योम इस्तेहसाल मनाएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, भारतीय फोर्सेस ने कश्मीर को नमाज ईद भी अदा न करने दी। दुनिया को पैगाम देंगे, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के साथ है। कश्मीरियों के हकूक सल्ब किए गए। हमारी मंजिल श्रीनगर है। कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रखने जा रहे हैं। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, वो चोर और डाकू जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, वो चाहते हैं कि नैब के कानून में तरमीम हो। इमरान खान आखिरी शख्स होगा जो वो तरमीम करेगा। हम खुद मानते हैं कि महंगाई हुई है। इमरान खान चीनी और आटा सब्सिडी में इंपोर्ट कर रहा है, सब्सिडी में लोगों को देंगे। बाकी अगर अपोजिशन ये समझ रही है कि इमरान खान कहीं जा रहा है तो भूल जाए, वो नहीं जा रहा। वफाकी वज़ीर शेख रशीद की ईद पर भी मुखालिफीन पर तनकीद। बोले, मुल्क को लूटने वाले नैब कवानीन में तरमीम नहीं चाहते। इमरान खान तरमीम करेगा, अपोजिशन 2 माह शोर शराबा करेगी। नवाज शरीफ पर यकीन है, वो तदब्बुर का मुजाहरा करेंगे। इमरान खान आटा, चीनी और यूटिलिटी स्टोर स्कैंडल में मुलव्वस अफराद को नहीं छोड़ेगा। ये आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। ये लीडरशिप जो पीटीआई की है, हाँ कोई भी हो, सब They are playing to the gallery.
हमें सूबा चाहिए, हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए। ये सेक्रेटेरिएट के मामले पे सूबा तो भूल जाएं, सेक्रेटेरिएट के मामले में ये आपस में आवाम को लड़ा रहे हैं, ये बनाना ही नहीं चाहते। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के भी जवाबी वार, बोले हुकूमत अलग सूबे पर कौम को बेवकूफ बना रही है, इतनी जल्दी किसी हुकूमत को गैर मकबूल होते नहीं देखा, ये हुकूमत जब तक रहेगी आवाम के लिए मुसीबतें बढ़ेंगी। सिराजुल हक बोले ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ लाए अमल का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान को दोहरी वबा दरपेश है, ये मौजूदा हुकूमत जो है ये भी किसी वबा से कम नहीं है। लोगों का कारोबार ख़त्म हो चुका है और मुआशी सरगर्मियां दम तोड़ चुकी हैं। चीनी जो है वो 100 रुपये किलो हो चुकी है। इससे निजात हासिल करने के लिए या इस मुल्क को निजात दिलाने के लिए मैं एक पार्टी का जिम्मेदार अहदेदार होने के नाते कोई अपनी तरफ से ऐसी बात नहीं करनी चाहता जो कल को APC के फैसलों के ऊपर असरअंदाज हो। तहरीक इंसाफ हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई, ये माफियाज और ATMs की हुकूमत है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राणा सनाउल्लाह की 24 न्यूज के साथ खुसूसी गुफ्तगू, कहते हैं रहबर कमेटी और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले होंगे, एहतजाजी तहरीक के मुतालिक लाए अमल तश्कील दिया जाएगा। तो सोनामी तो इंसानों के खुशहाली के लिए कोई अच्छी अलामत नहीं थी, सोनामी ने तो इंसान जात को बड़ा दुख दिया, आज तक दुनिया उसकी अजियतों को याद करके रो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। ये नाकाम वजीर आजम है, ये नाकाम हुकूमत है। कोई भी वजीर इनका आप देखिए उसकी कारकर्दगी क्या है, हटाते हैं तब्दील करते हैं, हटाने अगर कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो हटाने से क्या फायदा, तब्दील करने से क्या फायदा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मौला बख्श शांडियो का कहना है महंगाई की सुनामी है, इमरान खान नाकाम वजीर आजम है, MKM वाला रवैया PTI ने कराची में भी इख्तियार किया, ये अंदाज़े हुक्मरानी ना सियासी है ना जमहूरी। हुकूमत ने बड़ी ईद पर आवाम से बड़ी ईदी ले ली, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल 3.86 रुपए, हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर महंगा, मिट्टी के तेल की कीमत 5.97 रुपए बढ़ा दी गई, LPG भी 1.56 रुपए फी किलो महंगी हो गई। मुनाफाखोर माफिया ने ईद की खुशियां भी फीकी कर दी, ईद पर चीनी की भी सेंचुरी, इस्लामाबाद पेशावर और लाहौर में चीनी 100 रुपए किलो, मुनाफाखोरों ने एडवांस ईद ले ली, अदरक 550 रुपए किलो, लीमू की कीमत 320 रुपए किलो, टमाटर की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई, हरी मिर्च 160 और प्याज 70 रुपए किलो में फरोख्त।